जयशंकर प्रसाद जी की कहानी अमिट स्मृति, कथावाचक निर्मल मिश्र। फाल्गुनी पूर्णिमा का चंद्र गंगा के शुभ्र वक्ष पर आलोक धारा का सृजन कर रहा था। एक छोटा सा बजरा वसंत पवन में आंदोलित होता हुआ धीरे धीरे बह रहा था। नगर का आनंद कोलाहल सैकड़ों गलियों को पार करके गंगा के मुक्त वातावरण में सुनाई पड़ रहा था। मनोहर दास हाथ मुंह धोकर तकिए के सहारे बैठ चुके थे। गोपाल ने ब्यालू करके उठते हुए पूछा, बाबूजी सितार ले आऊं? आज और कल दो दिन नहीं, मनोहर दास ने कहा। वाह बाबूजी, आज सितार न बजा तो फिर बात क्या रही? नहीं गोपाल, मैं होली के इन दो दिनों में न तो सितार ही बजाता हूँ और न तो नगर में ही जाता हूँ। तो क्या आप चलेंगे भी नहीं? त्योहार के दिन नाव पर ही बीतेंगे? यह तो बड़ी बुरी बात है। यद्यपि गोपाल बरस बरस का त्योहार मनाने के लिए साधारणतः युवकों की तरह उत्कंठित था, परंतु 70 बरस के बूढ़े मनोहर दास को स्वयं बूढ़ा कहने का साहस नहीं रखता। मनोहर दास का भरा हुआ मुंह, दृढ़ अवयव और बलिष्ठ अंग विन्यास गोपाल के यौवन से अधिक पूर्ण था। मनोहर दास ने कहा, गोपाल मैं गंदी गालियों या रंग से भागता हूँ। इतनी ही बात नहीं है, इसमें और भी कुछ है। होली इस तरह बिताते मुझे 50 बरस हो गए। गोपाल ने नगर में जाकर उत्सव देखने का कुतूहल दबाते हुए पूछा, ऐसा क्यों बाबूजी? ऊंचे तकिए पर चित्त लेकर लंबी सांस लेते हुए मनोहर दास ने कहना आरंभ किया, हम और तुम्हारे बड़े भाई गिरधर दास साथ ही साथ जवाहिरात का व्यवसाय करते थे। इस साझे का हाल तुम जानते ही हो। हाँ, तब बंबई की दुकान न थी और न तो आज जैसी रेलगाड़ियों का जाल भारत में बिछा था, इसलिए रथों और इक्कों पर भी लोग लंबी लंबी यात्राएं करते। विशाल सफेद अजगर सी पड़ी हुई उत्तरीय भारत की वह सड़क जो बंगाल से काबुल तक पहुंचती है सदैव पथिकों से भरी रहती थी। कहीं कहीं बीच में 2-4 कोस की निर्जनता मिलती, अन्यथा प्याऊ बनिए की दुकानें, पड़ाव और सरायों से भरी हुई सड़क पर बड़ी चहल पहल रहती। यात्रा के लिए प्रत्येक स्थान में घंटे 10 कोस जाने वाले के तो बहुतायत से मिलते। बनारस इसमें विख्यात था। हम और गिरधर दास होलिका दहा का उत्सव देखकर 10 बजे लौटे थे कि प्रयाग के एक व्यापारी का पत्र मिला। इसमें लाखों के माल बिक जाने की आशा थी और कल तक ही वह व्यापारी प्रयाग में ठहरेगा। उस समय इक्केवान को बुलाकर सहेज दिया और हम लोग 11 बजे सो गए। सूर्य की किरणें अभी न निकली थी, दक्षिण पवन से पत्तियां अभी जैसे झूम रही थी, परंतु हम लोग इक्के पर बैठकर नगर को कई कोस पीछे छोड़ चुके थे। इक्का बड़े वेग से जा रहा था। सड़क के दोनों ओर लगे हुए आम की मंजरियों की सुगंध तीव्रता से नाक में घुसकर मादकता उत्पन्न कर रही थी। इक्केबान की बगल में बैठे हुए रघुनाथ महाराज ने कहा, सरकार बड़ी ठंड है। कहना न होगा कि रघुनाथ महाराज बनारस के एक नामी लठैत थे। उन दिनों ऐसी यात्राओं में ऐसे मनुष्यों का रखना आवश्यक समझा जाता था। सूर्य बहुत ऊपर आ चुके थे, मुझे प्यास लगी थी। तुम तो जानते ही हो मैं दोनों बेला बूटी छानता हूँ। आमों की छाया में एक छोटा सा कुआं दिखाई पड़ा जिसके ऊपर मुरेरेदार पक्की छत थी और नीचे चारों ओर दालाने थी। मैंने इक्का रोक देने को कहा। पूरब वाली दालान में एक बनिए की दुकान थी जिस पर गुड़, चना, नमक, सत्तू आदि बिकते थे। मेरे झोले में सब आवश्यक सामान थे। सीढ़ियों से चढ़कर हम लोग ऊपर पहुंचे। सराय यहां से 2 कोस और गांव कोस भर पर था। इस रमणीय स्थान को देखकर विश्राम करने की इच्छा होती थी। अनेक पक्षियों की मधुर बोलियों से मिलकर पवन जैसे सुरीला हो उठा। ठंडई बनने लगी। पास ही एक नींबू का वृक्ष खूब फूला हुआ था। रघुनाथ ने बनिए से हांडी लेकर कुछ फूलों को भिगो दिया। ठंडी तैयार होते होते उसकी महक से मन मस्त हो गया। चांदी के गिलास झोली से बाहर निकाले गए।
पर रघुनाथ ने कहा, सरकार इसकी बहार तो पूर्वे में है। बनिए को पुकारा, वह तो था नहीं, एक धीमा स्वर सुनाई पड़ा, क्या चाहिए? पूर्वे दे जाओ। थोड़ी ही देर में एक 14 वर्ष की लड़की सीढ़ियों से ऊपर आती हुई नजर पड़ी। सचमुच वह सालू की छीट पहने एक देहाती लड़की थी। कल उसकी भाभी ने उसके साथ खूब गुलाल खेला था। वह जगी भी मालूम पड़ती थी। मदिरा मंदिर के द्वार से खुली हुई आंखों में गुलाल की गरद उड़ रही थी। पलकों के छज्जे और बरौनियों की चिकों पर भी गुलाल की बहार थी। सरके हुए घूंघट से जितनी अलकें दिखलाई पड़ती वे सब रंगी थी। भीतर से भी उस सरला को कोई रंगीन बनाने लगा था। न जाने क्यों इस छोटी सी अवस्था में ही वह चेतना से ओतप्रोत थी। ऐसा मालूम होता था कि स्पर्श का मनोविकारमय अनुभव उसे सचेष्ट बनाए रहता। तब भी उसकी आंखें धोखा खाने पर ही ऊपर उठती। पुरवा रखने ही भर में उसने अपने कपड़ों को 2-3 बार ठीक किया, फिर पूछा, और कुछ चाहिए? मैं मुस्कुराकर रह गया। उस वसंत के प्रभाव में सब लोग वह सुस्वादु और सुगंधित ठंडई धीरे धीरे पी रहे थे, और मैं साथ ही साथ अपनी आंखों से उस बालिका के यौवनोन्माद की माधुरी भी पी रहा था। चारों ओर से नींबू के फूल और आमों की मंजरियों की सुगंध आ रही थी। नगरों से दूर देहातों से अलग कुएं की वह छत संसार में जैसे सबसे ऊंचा स्थान था। क्षण भर के लिए जैसे उस स्वप्न लोक में एक अप्सरा आ गई हो। सड़क पर एक बैलगाड़ी वाला बंडलों से टिका हुआ आंखें बंद किए हुए बिरहा गाता था। बैलों के हांकने की जरूरत नहीं थी, वे अपनी राह पहचानते थे। उसके गानों में उपालंब था, आवेदन था। बालिका कमर पर हाथ रखे हुए बड़े ध्यान से उसे सुन रही थी। गिरिधर दास और रघुनाथ महाराज हाथ मुंह धो आए, पर मैं वैसा ही बैठा रहा। रघुनाथ महाराज उजड़ तो थे ही, उन्होंने हंसते हुए पूछा, क्या दाम नहीं मिला? गिरिधर दास भी हंस पड़े। गुलाब से रंगी हुई उस बालिका की कनपटी और भी लाल हो गई। वह जैसे सचेत सी होकर धीरे धीरे सीढ़ी से उतरने लगी। मैं भी जैसे तंद्रा से चौंक कर उठा और सावधान होकर पान की गिलौरी मुंह में रखता हुआ इक्के पर आ बैठा। घोड़ा अपनी चाल से चला। घंटे 1.5 घंटे में हम लोग प्रयाग पहुंच गए। दूसरे दिन जब हम लोग लौटे तो देखा कि उस कुएं की दालान में बनिए की दुकान नहीं है। एक मनुष्य पानी पी रहा था। उससे पूछने पर मालूम हुआ कि गांव में एक भारी दुर्घटना हो गई है। दोपहर को धुरट्टा खेलने के समय नशे में रहने के कारण कुछ लोगों में दंगा हो गया। वह बनिया भी उन्हीं में था। रात को उसी के मकान पर डाका पड़ा। वह तो मार ही डाला गया, पर उसकी लड़की का भी पता नहीं। रघुनाथ ने अक्खड़पन से कहा, अरे वह महालक्ष्मी ऐसी ही रही, उसके लिए जो कुछ न हो जाए थोड़ा है। रघुनाथ की ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मेरी आंखों के सामने चारों ओर जैसे होली जलने लगी। ठीक साल भर बाद वही व्यापारी प्रयाग आया और मुझे फिर उसी प्रकार जाना पड़ा। होली बीत चुकी थी। जब मैं प्रयाग से लौट रहा था उसी कुएं पर ठहरना पड़ा। देखा तो एक विकलांग दरिद्र युवती उसी दालान में पड़ी थी। उसका चलना फिरना असंभव था। जब मैं कुएं पर चढ़ने लगा तो उसने दांत निकालकर हाथ फैला दिया। मैं पहचान गया, साल भर की घटना सामने आ गई। न जाने उस दिन मैं प्रतिज्ञा कर बैठा कि आज से होली न खेलूंगा। वह 50 बरस की बीती हुई घटना आज भी प्रत्येक होली में नई होकर सामने आती है। तुम्हारे बड़े भाई गिरधर ने मुझे कई बार होली मनाने का अनुरोध किया, पर मैं उनसे सहमत न हो सका और मैं अपने हृदय के इस निर्बल पक्ष पर अभी तक दृढ़ हूं। समझा ना गोपाल? इसलिए मैं ये 2 दिन बनारस के कोलाहल से अलग नाव पर ही बिताता हूं। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी अमिट स्मृति। कथावाचक निर्मल मिश्र।